कोरोना से जिंदगी को सुरक्षित करने के लिए वैक्सीन लेना आवश्यक है। इसके लिए कटिहार जिले में टीकाकरण का कार्य भी चल रहा है। मगर मनिहारी के नवाबगंज में डाटा एंट्री ऑपरेटर की कमी रहने के कारण वैक्सीनेशन के लक्ष्य को तेजी से पूरा करने में कठिनाई आ रही है। स्थानीय तनवीर आलम ने बताया कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के नहीं रहने के कारण वैक्सीन लेने वालों को आधार कार्ड का फोटो करवाना पड़ रहा है। परेशानी आज इस बात की है कि कोविड 19 का इंजेक्शन जो है डोज 1 और डोज 2 दिया जा रहा है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पर ऑपरेटर नहीं है, डाटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर नहीं है, जिससे यहाँ हम लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ सेवक सेविकाएँ जो भी हैं वो कह रही हैं कि आधार कार्ड का फ़ोटो करा करके लाइए तब दिया जाएगा। मैंने कई बार कहा कि नंबर ले लीजिए, लेकिन नंबर से वो नहीं मान रही है, लेकिन जेरेक्स कॉपी करा करके लाना पड़ रहा है। दूर दूर जाना पड़ता है हमको जेरेक्स कराने के लिए, जिससे यहाँ ग्रामवासियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ पर ऑपरेटर को मुहैया कराया जाए, ताकि ग्रामीण के परेशानियों को कम किया जा सके। यही हमारी आपसे गुजारिश है, और यहाँ के जो लोग इंजेक्शन दिलवा रहे हैं उन लोगों से गुजारिश है, लेकिन वो लोग बिना आधार कार्ड के मान ही नहीं रहे हैं और ऑपरेटर नहीं है। ये तो बहुत बड़ा दुख की बात है कि बिना ऑपरेटर के यहाँ डोज दिया जा रहा है, डाटा एंट्री नहीं हो रहा। हो सकता है कि डाटा एंट्री में मिस हो जाए, ये आधार कार्ड वगैरह इधर उधर हरा जाए तो हमको मैसेज नहीं मिलेगा, जिससे हम साबित नहीं कर सकेंगे कि हमको इंजेक्शन दिया गया या नहीं दिया गया। ये मेरी इस आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ऑपरेटर मुहैया कराने की कोशिश की। पीएचसी प्रभारी के बेपरवाह बने रहने के कारण आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहने के कारण टीकाकरण का कार्य प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि मनिहारी में अब तक महज 20% लोगों को ही सेकंड डोज लग पाया है। ऐसे में कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए यह लक्ष्य काफी कम है। तासीम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।